तो अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का रियल 100% ये रियल प्रश्न पत्र है जो आप लोगों को बोले थे हम 6 से 7 बजे के बीच लाएंगे, वहीं ये रियल प्रश्न पत्र होने वाला है, बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंतिम बताएंगे प्रश्न पत्र को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका सब्जेक्टिव आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आपको बहुत से जल्दी एग्जाम हॉल में भी पहुँचना है। चलिए, प्रकाश एक वर्ष में तो कितना होता है, तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में दिया रहता है, मीटर में देगा तो यहां पर और 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये किलोमीटर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है, आपको 70 में से 35 ही बनाना है, ठीक है, ये 35 ही बताना है 70 में से सभी के लिए एक अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए दो नंबर देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र तो क्या होता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, m^-1 और l³ × t^-2, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, और ऐसे लगाना ना बोलिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका परिणामी 4n नहीं होगा, तो किसका 4n नहीं होगा, तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2n और 4n का, ठीक है, 2n और 4n का नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि इसका दिया है तो इसके बीच का कोण पूछा है, तो कोण पूछा है तो आप सभी को पता है कि कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर दिया गया कोण होगा, तो ये भी कोण ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये √3 है, तो √3 कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है, 30 डिग्री का होता है, इसीलिए होता है ये। रॉकेट कार्य करता है, तो रॉकेट किस पर कार्य करता है, तो ये संवेग पर काम करता है, आपको पता है संवेग पर काम करता है रॉकेट, ठीक है, और रॉकेट संवेग पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण गुणांक एवं घर्षण कोण के बीच संबंध, तो किस कैसा संबंध है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन u = tan λ हो जाएगा। ये देखिए अस्थैतिक घर्षण का महत्व कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया, अस्थैतिक घर्षण का महत्व कहलाता है, तो कैसा कहलाता है, ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है, 100% ये रियल प्रश्न पत्र है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमांत घर्षण। 9 नंबर क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग होता है, दूध से क्रीम कैसे अलग होता है, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपकेंद्र बल के कारण, ठीक है, अपकेंद्र बल के कारण होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का कण अचर चाल से वृत्तीय पथ त्रिज्य r पर घूम रहा है, तो अभिकेंद्र त्वरण होगा, तो अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, v² / r हो जाएगा, ठीक है, v² / r हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, वृत्तीय गति में पूछे, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भी वेग दिया है तथा ए में बदलाव, ठीक है, ए में बदलाव, ये हो जाएगा आपका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता ही है कि जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल, और जूल को किससे दर्शाते हैं, तो जूल को जे से दर्शाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रख रहे हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान का तुल्य ऊर्जा, 1 ग्राम द्रव्यमान का तुल्य ऊर्जा कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 9 × 10^13 होता है, 9 × 10^13 कहाँ दिए, 13 जूल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल किसको बोलते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल को, जो ग्रेविटी होता है न्यूटन के, उसको बोलते हैं। एम द्रव्यमान के कण की ऊर्जा ई तब संवेग होगा, तो तब संवेग कितना होगा, तो आप सभी को पता है कि 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2mE, ठीक है, ये हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 10 मीटर/सेकंड के गतिशील कण की ऊर्जा ई 20 मीटर का वेग का ऊर्जा होगा, तो कितना ऊर्जा होगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2E। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन दिया, एक मोटर 10,000 न्यूटन तनाव वाले तार को 20 मीटर/सेकंड से लपेटती है, तो इसकी गति, तो कितना दी है गति, तो 17 नंबर क्वेश्चन को जब आप हल करिएगा ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 20 किलोवाट, 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन दिया, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, kgm² ठीक है, kgm² हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि आपके लिए हम रियल प्रश्न पत्र लाते हैं और बहुत सारा आंसर भी निकालते हैं, तो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है हमारा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ग्रुप का नंबर देख लिए ये है 6210-82403 है ग्रुप का नंबर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड है, ठीक है, वहीं पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया जाता है सबसे पहले, और वहीं पर लिंक भी दे दिया जाता है, ताकि कौन सा रियल प्रश्न पत्र है, कौन सा वायरल प्रश्न पत्र है, और ये रियल प्रश्न पत्र बिल्कुल 100% होने वाला है, डायरेक्ट आपके यहीं एग्जाम में लड़ने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक का जड़त्व पूछ रहा है, ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव्यमान एक मीटर त्रिज्या 5 किलोग्राम के ठोस गोला का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कोणीय संवेग का विमीय सूत्र उसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होता है, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखीय संवेग के, ठीक है, रेखीय वेग भी बोल सकते हैं, संवेग भी बोल सकते हैं उसको। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक पूछा, घूर्णन त्रिज्या एसआई मात्रक, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मीटर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो आप सभी को पता है कि इसका कोणीय संवेग पर आधारित है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोणीय संवेग। पृथ्वी के किस सतह पर जी का मान महत्तम होता है, तो किस पर होता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव अपने ध्रुव पर पोल पर होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उस पर होता है। पृथ्वी सतह से पलायन वेग, तो पृथ्वी सतह से पलायन वेग क्या होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। प्रत्यय और विकृति का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यानन गुणांक हो जाएगा। ताप बढ़ाने से हवा सततता क्या होती है, तो घटती है, ठीक है, ये घटती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्नौली परिमेय आधारित है, तो बर्नौली परिमेय किस पर आधारित है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है। तरल से गिरती गोले के सीमांत येंग गोली की त्रिज्या आर है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर आपको देखिए यहाँ पर दिया है, 70 क्वेश्चन दिया है, 70 में से आपको 35 ही बनाना है, ठीक है, 70 में से 35 बनाना है, ठीक है, 70 में से आपको 35 ही बनाना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछ रहा है, विमीय सूत्र का पूछ रहा है, तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लिखा था, गलती से वो छूट गया, ठीक है, वो थोड़ा सा एडिट करने में पीडीएफ थोड़ा सा कट गया। हम पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, द्रव पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच किस बल के कारण है, तो किसके बल पर, सहसंयोजक बल के कारण है, ठीक है, सहसंयोजक बल। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहसंयोजक बल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे के आयताकार प्लेट में एक छेद है, गर्म करने पर इसका आकार, तो आपको पहले भी बता चुके हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल VVI प्रश्न है, ठीक है, ये बिल्कुल VVI प्रश्न बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 327 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो 600 किलो होता है, ठीक है, 600 केल्विन होता है, किलो नहीं 600 केल्विन होता है, तो 600 केल्विन कहाँ दिया है, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम 35 करवा दिए हैं, लेकिन आपको 70 तक देखना है, ठीक है, 70 में से, क्योंकि आप जाओगे तो कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे, इसलिए 70 तक वीडियो में देखना है, ठीक है, 70 क्वेश्चन आए हैं, 70 में से आपको 35 ही बनाना है, तो जाओगे कुछ ना कुछ भूल जाओगे, इसलिए 70 देखोगे तो आप लोग 35 आसानी से बना लोगे। विशिष्ट ऊष्मा का महत्तम है, विशिष्ट ऊष्मा का महत्तम क्या है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक, ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टीफन नियम के अनुसार पूछ रहा है, स्टीफन नियम के अनुसार, स्टीफन हॉकिंग जो थे उनके नियम के अनुसार, तो उनके नियम के अनुसार 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर, एक सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, तो सूर्य से ऊष्मा कैसी प्राप्त होती है, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि वस्तु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तब उसकी ऊष्मा उत्सर्जित दर क्या हो जाएगी, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, ठीक है, दुगनी हो जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन दे दिया, 41 नंबर, समतापीय प्रक्रम में गुणाओं की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, गुणाओं की आंतरिक ऊर्जा, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है, रुधापेश प्रकाश में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटिक गया है, आप लोग कन्वेंस कर लेगा। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो और अच्छे से दिखेगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। चक्रीय प्रकाश में, चक्रीय प्रकाश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य जीरो होता है, जो ऐसे प्रकाश होता है ना, ये चारों तरफ घूमता है, ऐसे घूमता है, घूमता रहता है, जैसे हम बल्ब देखे हो ना उसमें, तो उसका कार्य क्या होता है, जीरो होता है, एकदम शून्य होता है। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गैस अणुओं में वर्गमूल, वर्ग माध्यम, वेग
का ताप टी पर निर्भर करता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग कैसी है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदर्य तरंग है। ठीक है, अनुदर्य तरंग है, अनुप्रस्थ नहीं अनुदर्य है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी करने पर आपातकाल, तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 गुना व्यक्तिकरण होती है, व्यक्तिकरण होती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ। विषमपद क्या होता है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपन तवन। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिकरण होती है, व्यक्तिकरण कैसी होती है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 49 नंबर आपको बता ही दिए कि 49 का सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं, 50 नंबर दिया है, इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं, 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आधा से भी ऊपर क्वेश्चन हम करा दिए हैं। व्यक्तिकरण हेतु पथांतर पूछ रहे, तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, एन लैम्डा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 52 नंबर दिया है, ए तथा 3A आयाम वाले समान आवृत्ति के तरंगों को अध्यारोपण से महत्तम तीव्रता का अनुपात होगा, तो कितना अनुपात होगा, तो आप सभी को पता है 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:1। समान लंबाई के खुले तथा बंद आंगन नली के मूल आवृत्ति का अनुपात पूछे, तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दो क्रमगत निष्मंदों की दूरी पूछ रहा है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैम्डा बटे में 4। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डॉपलर प्रभाव सत्य है, तो किस पर सत्य होता है, तो आप सभी को इसका आंसर पता ही है कि बहुत आसान है, 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि तथा प्रकाश के दोनों पर। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बता ही दीजिएगा, 62010-82403 है। ठीक है, 62010-82403, वहीं पर सबसे पहले पेपर का दे दिया जाता है, अपलोड करवा दिया जाता है, वहीं पर सबका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और क्लास 12 का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बढ़ता है, जब स्रोत की ओर गतिशील तब होता है, स्रोत को आभासी आवृत्ति प्रतीत होता है। ठीक है, बढ़ता है, चंद्रमा पर जी का मान होता है, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक है, जैसे आपका पृथ्वी पर 36 किलो भार है, तो वहीं चंद्रमा पर जाएगा तो मात्र 6 किलो बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन दिया कि इसका मतलब सदिश के बीच का कोण पूछ रहा है, तो कोण आप सभी को पता है, कोण 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। इसका पूछा है सदिश रूप के बीच का कोण, इसका भी पूछा है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम करवाए नहीं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग रहा है निकालने में, इसीलिए छोड़ दिए उस क्वेश्चन को। आपको 70 में से 35 ही बनाना था, और हम 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 70 में से आपको 35 ही बनाना है। ठीक है, 70 में से 35 बनाना है, हम आपको 60 करवा दिए। ठीक है, 60 करवा दिए, 25 क्वेश्चन अधिका ही करवा दिए हैं। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर सुबह तक यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग चैनल पर से जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।